नमस्कार मु स्मिता आपण मानक स्वागत जनाऊँ मोर चैनल स्मिताज कुकिंग फैशन को आपण मानक आज मुझे गोटे न्यू रेसीपी नहीं आसी रेसीपीटी होची कांकड़े तैयारी कांकड़ जो मान खाइबा को बिल्कुल पसंद ना से बहुत ही पसंद आसब तो चलतु तरकारी बनवा स्टार्ट करवा। प्रथम मुझे कांकड़ डेपू को काटने और चुपा को भलसे छड़े तर जो कंटा कंटा भली अच्छे से गुड़ाक भलसे छड़े ना मुझे छुरी आ कटर में भी आपण मानक छड़े देखी कांकड़ चुपा को छड़े सारापर ताको भलसे धोने एवं कांकड़ को भलसे ग्रेटर में ग्रेट करे ग्रेटर साहजे आपको न करके भी आपण मैंने छोट छोट पीस करके काटिपर जमी बरा हो पार एमती सब कांकड़ को भलसे ग्रेट करे देखु ये ग्रेट कर दुईटा आलु सीझे रखी से आलु को भी ग्रेटर में ग्रेट करे आलु को भी आपड़ हाथ में मैश करें आलु को ग्रेट कर सारिकी ए गोटे बाउल को ट्रांसफर करे देखु गोटे पिज को मुझे छोट छोट कर हाफ स्पून ए हलदी पकाउँ हाफ स्पून ये रेड चिल्ली पाउडर पकाउँ जीरा मुझे गोटे स्पून ये पकाउँ लुण स्वाद हिसाब से गोटे कंचा लंका को काटि नहीं पकाउँ गरम मसला ए गोटे स्पून पकाउँ गरम मसला पकवा द्वारा आरो टेस्ट बहुत ही भल लगी था सब कुछ भलसे मैश करे ध्यान रखिए एथिरे जमा भी पा देवेनि कांकड़ पा बहुत भारी थाए ये बेसन मिसेवा दुई स्पून ये देखो एथिरे जमा भी मुझे पानी देनी हेले भी ये भलसे गोले एमती आम गोटे आर डो प्रस्तुत करे एवं देखु बरा छाणी डो भलसे प्रस्तुत हो जाए छोट छोट गोल करी बरा छाणवा एवं चलतु बरार तरकारी मसला प्रिपेयर करवा मसलाई ये मुझे गोटे पिज को मीडियम साइज रे काटि नहीं गोटे छोट खंड अदा गोटे रसुण को चोपा छड़े नहीं अदा को मुझे छोट छोट पीस कर गोटे स्पून गोटा धनिया गोटे स्पून जीरा ए सब को एबे भलसे मिक्सी रे पेस्ट करे देखु मसला को भलसे मुझे पेस्ट करे चलतु बरा छाणवा बरा छाणीपाई ये मुझे गोटे पैन नहीं पैन को भलसे गरम कर दुई रु तीन चामच मुझे सोरिष तेल नौ मन रखिए सोरिष तेल रे ही बरा छाणे बरा बहुत ही टेस्टी लगे तेल भलसे गरम हो गला आम जो डो प्रस्तुत करें छोट छोट गोल करके छाणवा देखु ये मुझे गोटे गोटे तेल पकाउँ बरा को बेसी मोटा करें पतला करेंगे आउ गैस रो फ्लेम को लो टू मीडियम रखिबे नहले नाई ऊपर को लाल पड़ जाए था भितरटा कंचा रही जाए था गैस रो फ्लेम को लो टू मीडियम रखी थी मत पाखापाखी गोटे पट बरा हेबा को पांच मिनिट लगला एबे सब कु भलसे मु उल्टे नौ सबुजाक उल्टे सारापर पुणी पांच मिनिट जाके आ गोटे पट को भलसे भाजवा देखु बरा ये केते सुंदर देखा जाउची उल्टे देला परे एबे आरो आ गोटे पट को भलसे उल्टे की कुक हेबा को देबा आपण मानक गोटे छोट रिक्वेस्ट मोर वीडियो को लाइक करंतु आ मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु देखु बरा ये भल भाव हो आपण मैंने चाहिए आपको खाली एमती खाईपर भात सहित भी खाईपर कि तरकारी बनैले भी आहरी टेस्ट लगी था तो चलतु मुझे तरकारी बनईकी देखा तरकारी मुझे सेम पैन को नहीं कड़े को भलसे गरम करी ए दुई चामच सोरस तेल पकाउँ तेल भलसे गरम हो गला गोटे स्पून जीरा पकाउँ गोटे कंचा लंका को काटिक पकाउँ गोटे तेजपत्र पकाउँ आ गोटे डालचीनी खंड को पकाउँ ए सब कु भलसे मिसेकी ए गोटे कटा पियाज नहीं छोट छोट कर पकईकि भाजने पियाज को मौलवा जाके भाजवा जेबे जाके ब्राउन कलर न आसी देखो तो पियाज भलसे मौली गला ब्राउन कलर भी हो गला एबे पेस्ट करके रखी मसला को एथिरे पकेबा और मसला को भलसे मिसेने बा
ମସଲାରେ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ପକାଉଛି, ଗୋଟିଏ ସ୍ପୁନ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉଛି, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା ଆଉ ଲିଡ୍ କଭର କରିକି 5 ମିନିଟ୍ ଯାକେ କୁକ୍ ହେବାକୁ ଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଟା ଟମାଟୋକୁ ପକାଉଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଟମାଟୋକୁ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା ଆଉ ଆକୁ ବି ସିଝିବା ଯାକେ ଲିଡ୍ କଭର କରିକି 5 ମିନିଟ୍ସ ଯାକେ କୁକ୍ ହେବାକୁ ଦେବା। ଟମାଟୋ ମସଲା ସହିତ ମିଶିଗଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାଉଲ୍ ପାଣି ଦେଉଛି। ପାଣି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମସଲାର କଞ୍ଚା ସବୁ ବାସ୍ନା ଚାଲିଯାଇଥାଏ ଆଉ ଭଲସେ ମସଲା ସିଝି ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଲିଡ୍ କଭର କରିକି ଭଲସେ ଆକୁ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରୁ ପୁରାପୁରି ପାଣି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ମସଲାରେ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଯାକେ ମସଲାକୁ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ଚାଲିବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ମସଲାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ମସଲା ଏବେ ଭଲସେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଝୋଳ ପାଇଁ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଏଠି ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ନେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କଞ୍ଚା ପାଣି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ପାଣି ଦେଲେ ଟିକିଏ ଝୋଳ ଫିକା ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆକୁ ଭଲସେ ଫୁଟେଇଲେ ବି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣି ଦେବା ବେଟର୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଲିଡ୍ କଭର କରିକି 2-3 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳ ଭଲସେ ହେଇଆସିଲାଣି। ଆକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଗ୍ରେଭି କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ସିଝା ଆଳୁକୁ ମିଶାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଳୁକୁ ଏଠି ମୁଁ ଭଲସେ ଏଥିରେ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଆମର ଗ୍ରେଭି ଭଲସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ବରାକୁ ଏଥିରେ ମିଶାଇବା ଆଉ ମସଲା ସହିତ ବରାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଗ୍ରେଭିରେ ବରାକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପକାଉଛି। ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ସାରିକି ଲିଡ୍ କଭର କରିନେବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଗରମ ମସଲାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଙ୍କଡ଼ର ବରା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାଙ୍କଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି କାଙ୍କଡ଼ର ବରା କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟସ୍ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି, ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।